जिस बस में मैं शाह रजा जा रहा हूँ जी, उस बस का आपको रिव्यू करवाता हूँ। चूंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नूर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स की बात करते हैं पाकिस्तान के, जो अभी पैदल चल रहा है, काफी दिन हो गए, लगभग मुझे लगता है 45 से 46 दिन हो चुके हैं उसको, और लगातार चलने के बाद में आज मैंने ऐसा देखा कि उसकी फेसबुक पेज से ऐसा एक पोस्ट आया कि मैं अब 15 दिन के लिए रुका हुआ हूँ ईरान, और मुझे बार बार मौका नहीं मिलेगा ऐसा। मैं हज करने तो जा रहा हूँ, लेकिन 15 दिन अभी ईरान में बस से घूमूंगा, समझ रहे हो आप? आप जो इंडिया के लोग हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो आपको पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ उसका। लेकिन ये जब ये इसने मुझे कॉमेंट किया एक कि मैं सियाबाई का जैसे सियाबाई को देखकर मैं हज करने नहीं जा रहा है, मेरा इरादा तो 2019 से 2020 से था। तो इस भाई को मैं उस्मान को बोलना चाहता हूँ कि भाई आपका इरादा 2019 और 2020 से इरादा आपने हज का किया था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? आपने सियाब भाई को देखकर ही हज करने का सोचा है, ये मैं अपने दिल से बोल सकता हूँ, और हिंदुस्तान के जो भी कोई भी मेंबर है वो बोल सकता है कि हाँ इसने देखकर किया है ये सब कुछ। और अभी मैंने देखा कि एक तो पहले से ही पाकिस्तान की गद्दारी तो आपको पता है सामने आ गई थी, और इसको पहले रवाना कर दिया 40-45 दिन से पहले चल रहा है। अभी मैंने देखा कि ये 15 दिन ईरान रुकेगा, और ईरान रुककर जो ये अलग अलग बस से वहां ईरान में जो भी है बस साइकिल जो भी है उनसे सफर करेगा। अभी मैं इनके पाकिस्तान के लोगों के उसमें पोस्ट में कमेंट पढ़े, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। हज मुझे ऐसे हंसना भी नहीं चाहिए, मजाक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस बंदे ने ऐसा लिखा कि मैं हज करने भी जा रहा हूँ, पैदल हज भी करूंगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो उस्मान अरशद नाम से फेसबुक पे उसने ब्लू टिक भी ले लिया, और हज करने भी जा रहा है, और बस से सफर भी करेगा, बीच में बस से सफर करेगा, ईरान घूमेगा, क्योंकि बार बार मौका कहाँ मिलेगा बंदे को। आप समझ सकते हो, मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ आपको, आप बने रहे नूर एक्सप्रेस पर। और एक एक जैसे एक ग्लोबल टीवी वाला पता नहीं क्या नाम है उसका, मैंने उसका एक वीडियो देखा, मुझे अभी तक उसकी भी है, बोल रहा है नूर भाई जैसे नशे में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं नूर भाई कैसे भी बोले, लेकिन यार तुम इंडिया के नाम पर एक तो यूट्यूब चैनल खोल रखे हो, इंडिया के लोगों को गलत बोलते हो। पहले भी तुमने इंडिया के जो हमारे सियाब भाई है उनके बारे में काफी यूट्यूबर थे, उन्होंने गलत बोला, और आज मैं आपको वापस दिखा रहा हूं, देखो आप। ये बंदा ये देख सकते हो आप, उस्मान अरशद नाम से है, और इसने जो अभी इसने खुद पोस्ट किए, मैंने नहीं किए ये पोस्ट, इसने खुद पोस्ट किए, इसने लिखा है देवी, और हिंदी में बता रहा हूं, देवी और सज्जनों बात यह है कि मेरे पास ईरान में प्रत्येक स्थानों की यात्रा है, और सभी मार्ग से दूर हूं, इसलिए मैं किसी भी परिवहन का उपयोग करके इन सभी शहरों में जा सकता हूं। परिवहन का समझते हो, मैं किसी भी बस का उपयोग करके ईरान में घूम सकता हूं, पैदल हज करने भी जा रहा है, लेकिन हाँ चलो घुमाई होती है, पैदल घूम कर आ जाओ, लेकिन इस बंदे को तो क्या पता है, इतनी हंसी आ रही है यार, पैदल हज करने वाले पर हंसना नहीं चाहिए। बाकी मैं तो यार मेरी रुक नहीं रही ना, क्योंकि ये लगभग 15 दिन तक वहाँ साइकिल से बस से सफर करेगा, घूमेगा, और हमारे सियाब भाई ने अभी तक साइकिल पर बैठकर सफर किया, कुछ भी नहीं किया है, और जो बीच में लड़कियां या जो महिलाएं आ रही थी उनको बोल रहे थे कि घूंघट लगाओ, आप बुरके में रहो, हिजाब में रहो, अजब से रहो, अदब से रहो, शेप रहो अपने, जैसे बहुत मोटिवेशनल, बहुत अच्छे अच्छे जैसी बातें बताई थी सियाब भाई ने सफर करते हुए, और वो मुझे बोल रहा है कि गली मोहल्ले से ये नूर भाई बोल रहे हैं। अरे ये उस ग्लोबल टीवी वाले को भी मैं बोल देता हूँ कि मैं बता दूं मैं गली मोहल्ले से नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से है ना, मैंने वो तेज से वीडियो बनाया था आपके लिए, और मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ना सियाब भाई के साथ लगभग 3 महीने का सफर किया है मैंने सियाब भाई के साथ। कोई भी इंडियन यूट्यूबर को आप बातचीत कर लेना,
ये तुम तो अभी 2 दिन हुए नहीं है तुमको, अभी प्रूफ दे रहे हो कि शिया भाई पाकिस्तान में चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं। तुम्हारे पास हकीकत का प्रूफ है कि नहीं है कि शिया भाई का? तुम फोटो खींच कर ही दिखा दो। वैसे सिक्योरिटी का मामला है तो एक फोटो शिया भाई का एक फोटो खींच कर शेयर कर दो यूट्यूब पर ऐसे ही। और तुम दुबई में बैठ कर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो, मैं वीडियो देखता हूँ, वो बात नहीं है। सब इंडिया के लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर वीडियो देखते हैं सबके, जो हमारे पाकिस्तान। तो दोस्तों इसके मैं बैकग्राउंड से जो है इसकी जो जो भी बता रहा हूँ, ये इसने ये सफर किया था लगभग आज से 2 महीने ज्यादा हो गए, लगभग 2 महीने से, अभी 2 महीने हो जाएंगे इसको। और इसकी पाकिस्तान की सरकार भी इसको वीजा जारी कर दिया है, सब कुछ जारी कर दिया है उस्मान अरशद को। इसने अभी कॉमेंट किया है कि मेरे बारे में तुम गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं तेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। बस हज कर यार, हज की तरफ जा। मतलब रास्ते में अब बस से सफर करेगा तेरे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इसमें देख लो कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं। मैं आपको सबके कमेंट दिखाऊंगा। और ये इसका एक वीडियो हो रहा है, आपको वो वीडियो दिखाता हूँ मैं, जिस बस में मैं शाह जा रहा हूँ देख सकते हैं आप। ईरान में बस का स्टेयरिंग जो है वो बाई तरफ होता है, इसलिए इनका जो दरवाजा है वो दाई तरफ होता है। आए आप अंदर से जरा सीट्स जो है वो इनकी दिखाता हूँ, जो इनकी सीट्स हैं वो अगर आप लोग देखेंगे तो ये काफी कंफर्टेबल बस है। इनके सीट्स के अंदर आपको दिखाऊंगा तो आप ये गैप चेक करें, दो सीट्स के अंदर जो गैप है वो काफी गैप है, यानी कि आप बड़े स्कूल के साथ। तो दोस्तों आप कुछ सोच सकते हैं, ये बंदा बोल रहा है मैंने श्याम भाई को देखकर ही हज नहीं किया है, मेरा इरादा 2018 से 19 से इरादा था ये। अब आप समझ सकते हो इन भाइयों के चक्कर में। और ये अभी जब अब आपको पता है जो हज करने जाता है, पैदल हज करने जाता है उसको बस, आपको मैं वीडियो रोक कर दिखाता हूँ, उसको बस में बैठना जरूरी है क्या? नहीं है ना, बस में बैठता है बंदा, आगे साइकिल भी चलाएगा, सब कुछ करेगा ये, आप देखना। और हमारा जब सिया भाई को अभी कुछ कन्फर्म नहीं है कि सिया भाई पाकिस्तान में है या इंडिया में है, लेकिन मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग मैंने बात की थी तब उन्होंने बताया, काफ़ी मेरे दोस्तों ने भी बताया कि हाँ सिया भाई ने लगभग अभी 25 दिन, अभी आज के हिसाब से 25 दिन हो चुके हैं सिया भाई को, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल रहा है। लेकिन श्या भाई उस आपके स्कूल में तो है नहीं, लेकिन मैं इस भाई को नशे दे रहा हूँ कि यार ये हज करने जा रहा है, पैदल हज कर, ऐसे बस उसे वगैरह से नहीं कर, और श्या भाई से कुछ सीख, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और जो ये ग्लोबल टीवी वाले कुछ भी हैं, अरे भाई कुछ भी बोल, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है ना? और ये जो अगर तेरे पास प्रूफ है कुछ, तेरा नाम तो पता नहीं है मुझे, कुछ तुपे तुपेल बता रहा है, तुपेल ही हो सकता है शायद, हाँ तुपेल है तुम्हारा नाम। और कुछ हकीकत बता को, सिया भाई कहाँ चल रहे हैं, ऐसे ही सिक्योरिटी का हवाला दे रहा है वगैरह दे रहा है। इसलिए मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर इंडिया के नाम पर ही कमा रहे हैं, इंडिया के नाम पर ही अपना घर चला रहे हैं, इनके बहकावे में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने ये वीडियो देखा इसलिए मैं सीरियस हो गया, क्योंकि यार जो बंदा हज करने जा रहा है, हज की सोच ले, और वो बंदा बता रहा है कि मैंने सिया भाई से नहीं सीखा है वगैरह, नहीं सीखा है मैंने, वो बोल रहा है मैं सिया भाई तो अब चल रहे हैं, मैं तो 2018 से चल रहा था वगैरह चल रहा था। ये तुम्हारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, इसने तुम्हारे को ये वीजा जारी कर दिया है, और ये सफर तुम्हारी गवर्नमेंट की वजह से और सिया भाई ने को देख कर ही हो रहा है पूरा। अब तुमको समझाने से तो बेकार है, क्योंकि अब इसलिए भाई ये जो पैदल हज करने जा रहा है तो पैदल हज ही कर। और मैं आपको और इसमें प्रूफ डाल दूंगा, उसके कमेंट डाल दूंगा, पाकिस्तान के जो भाई कमेंट कर रहे हैं उसको आप खुद उस पर हंसेंगे, क्योंकि यार हज करने सिया भाई को आप देख सकते हैं, इतना सफर किया है सिया भाई ने, लगभग कासा तक में साथ था सिया भाई के, लेकिन अभी तक सिया भाई ने कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी बस या कोई भी ट्रेन फ्लाइट कुछ उनमें सिया भाई इतने ही नहीं बैठे, समझ रहे हो आप? इसलिए दोस्तों ऐसे जो पाकिस्तान के क्या बोले यार, क्या बोले यार आपके बारे में
बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे हर इंडियन के दिल में सबको पता है कि हाँ सिया भाई के साथ जो गलत किया है इन्होंने, इतने दिन 3 महीने इन सिया भाई का सफर रोका है, सबके दिल में दर्द है, सबको पता है। अब इनके हरकतों से देख देख कर कुछ ये क्या कर रहे हैं यार, जो हकीकत में सच्चा भाई होता है ना वो कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के करतूत तो आपको पता है, सऊदी में रहने वाले मेरे, सऊदी में रहने वाले हर जगह इनके करतूत को सामना करना पड़ता है, इनका बस चले तो ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।